नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर डाइक्रोइज्म, यूवीवीज, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रोटीएजेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटीन है जिसको प्रोटीएज से डाइजेस्ट किया गया है और उसका ऑप्टिकल मेजरमेंट लिया गया है डाइजेशन से पहले की और उसके बाद की। तो पूछा गया कि भाई इसमें चार में से कौन सा ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इसके चेंजेस दिखेंगे इसके मेजरमेंट में जब पहली और बाद में लिया गया प्रोटीज के ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटीन है उसको प्रोटीएज से तोड़ा तो आपका अमाइनो एसिड भी मिल सकते हैं या आपके डाइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड या और भी चांसेस हैं आपके फ्रैक्शन मिलने के या एक एक अमाइनो एसिड में टुकड़े हो जाए। तो ये जब इनेटिव फॉर्म में था, नेटिव फॉर्म में था, तब इन्होंने उनका क्या किया कि वो ऑप्टिकल डेंसिटी ली और जब इनका टुकड़े हो गए तब इनने ऑप्टिकल डेंसिटी ली, दोनों को कंपेरिजन किया कि भाई इन चारों में से किस में ज़्यादा चेंजेज आए, ठीक है, और वो आपका राइट आंसर होगा। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोटीएज क्या होता है, कई सारे प्रोटीएज होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो सबसे पहले इन्होंने आपके हार्टलिन 1960 में एक सेटिस्फैक्टरी आपको बताया कि भाई ये चार तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इनके कैटेलिटिक साइट में कौन सा अमाइनो एसिड है, यदि सेरीन और हिस्टिडीन है तो सेरीन प्रोटीनिएजेस कह दिया, यदि सिस्टीन है तो सिस्टीन प्रोटीनिएजेस कह दिया, यदि एस्पार्टिक एसिड है तो एस्पार्टेट प्रोटीनिएजेस कह दिया, यदि मेटलोप्रोटीएज है तो मेटलिक, यदि मेटलिक आयन है तो मेटलोप्रोटीएजेस कह दिया। फिर उसके बाद ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ एक्सोपेप्टाइडेज और इंडोपेप्टाइडेज का। एक्सोपेप्टाइडेज वो होता है जो आप नीचे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, एप्टोपेप्टाइडेज में ये अमाइनो टर्मिनल पे कट करते हैं और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक होता है जो कि कार्बोनल टर्मिनल पे कट करते हैं। यदि इनने दो अमाइनो एसिड के बाद कट किया तो डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज हो जाता है, तीन के बाद ट्राइपेप्टाइडल, और यदि इसी प्रकार से कार्बोक्सीपेप्टाइड में भी दो के बाद कट किया तो पेप्टाइडल डाइपेप्टाइडेज, ये दो ही है लेकिन फिर भी यदि कट हो रहा है तो इसको डाइपेप्टाइडेज कहते हैं। एक अब इंडोपेप्टाइडेज में हम कई सारे देखेंगे एक्शन मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले एस्पार्टिक प्रोटीएजेस, ये एस्पार्टिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड आपके हिस्टिडीन और सीरीन से तीन का एक कैटालिटिक साइट है आपका एस्पार्टिक प्रोटीएज का, और ये आपका पहले तो इसका हिस्टिडीन से जुड़ा रहता है लेकिन जैसे ही आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल आया, जैसे मान के चलिए इस ग्राफ में भी कोई सब्सट्रेट आया प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं सबसे पहले इन्होंने इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करवाते हैं वाटर से। वाटर का मान के चलिए ये था स्ट्रक्चर, जब ये OH पे अटैक करके H ले लिया तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और न्यूक्लियोफाइल इस पे जब अटैक किया तो इसका इधर चला गया ये बॉन्ड, इस पर अब ये न्यूक्लियोफाइल बना दिया। न्यूक्लियोफाइल जब ये बन गया फिर ये एच को पकड़ा, अटैक किया और ये आपका एसिड बना लिया अपने आप को और एक अमाइनो ग्रुप दो पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ दिया आपके पेप्टाइड को, ठीक है। इस प्रकार से हम सेरीन प्रोटीएज देखते हैं। सेरीन प्रोटीएज में आपका नाम से ही पता है कि सेरीन होगा, सेरीन है, हिस्टिडीन है और एस्पार्टिक एसिड। सेरीन क्या किया इस केस में, इंटरेक्ट किया, पहले तो हिस्टिडीन से जुड़ा रहता है लेकिन जैसे ही कोई प्रोटीन आ गया तो ये सेरीन एक्टिव हो जाता है, इससे हिस्टिडीन से हटके इस पर नेगेटिव चार्ज जो था वो आप इस पर लेते, कार्बोनिल अटैक करवा देता है इसको, इसके कार्बोनिल ग्रुप पे पेप्टाइड के, और ये पेप्टाइड को आपके दो टुकड़े में तोड़ देते हैं, पेप्टाइड वन और पेप्टाइड टू। इसी प्रकार से एक सिस्टीन प्रोटीएज है, सिस्टीन भी ऐसे ही है, सारे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहे हैं, इसके कार्बोनिल ग्रुप पे पेप्टाइड पे अटैक करते हैं और आपके दो टुकड़े में एक एमीन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप में तब्दील कर देते हैं। इस प्रकार से यदि यहाँ पे और भी बड़ा पेप्टाइड रहेगा तो अलग अलग टुकड़े आ जाएंगे आपके पेप्टाइड का और या फिर अमाइनो एसिड का। एक मेटलो प्रोटीएज में आपका मेटल रहता है, यहाँ पे इस केस में जिंक है, जिंक के जगह यहाँ पे कैल्शियम या मैगनीज भी होते हैं कई में प्रोटीएज में। तो ये क्या करते हैं कि आपके जैसे ही OH ग्रुप, वाटर का हमेशा ही रोल है, और जैसे ही कोई आपको आता है प्रोटीन उसको ये क्लीव करके उनके दो टुकड़े में कर देते हैं और फिर वापस से अपने काम में लग जाते हैं।
तीसरा, अब ये जो चीज़ हैं प्रोटीज, प्रोटीज आपके कई सारे थे और प्रोटीज हमारे बायोडाइवर्सिटी में बहुत है। अब इसका मेन प्रोटीज का काम होता है कि भाई आपके यदि मान के चलिए डीएनए किसी सोल्यूशन से आइसोलेट करना है और उसमें प्रोटीन बहुत सारा है, तो उस प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीज डालते हैं और फिर आपको डीएनए आइसोलेट हो जाता है। या किसी टारगेट प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो हम उसको टारगेट प्रोटीज यूज करके उसको हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम इनहिबिटर डाल देते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर, इसके जो भाई हर जगह ना तोड़ दे, एक टारगेटेड प्रोटीज यूज करते हैं उस केस में। जैसे आरएनए भी निकालना हो तो प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो प्रोटीज। अब जैसे आपका एंजाइम है, कई सारे जैमोजीन ये सब जो है, पेप्सिन ये सब पहले आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो प्रोटीज आके इसको एक्टिव करता है। तो कई सारे रोल हैं प्रोटीज का। तो हम प्रोटीज के बाद का जो चीज़ था ये हम देखते हैं कि अब ये था कि भाई एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर क्या चीज़ होती है, और फिर एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर। तो एब्जॉर्बेंस जो है हम लेते हैं यूवी विज से, यूवी विज से आपका जब प्रोटीन है कोई, उस प्रोटीन का हम क्या करते हैं कि भाई आपका सैंपल है और उसको 280 पे हम उसका रीडिंग लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं, और यदि रीडिंग से हमें पता चल जाता है कि आपके सैंपल में कितना प्रोटीन कंसंट्रेशन है, तो ये जो ग्राफ है आपका नेटिव के लिए है और डाइजेस्टेड का है, ठीक है। तो नेटिव और डाइजेस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं है आप देख सकते हैं ग्राफ में, क्योंकि इसके डाइजेस्टेशन के बाद भी तो इसी सैंपल में ही रहेंगे। मान के चलिए हम प्रोटीज से तोड़ दिए तो अमाइनो एसिड इसी में रहेंगे कंसंट्रेशन, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये कंसंट्रेशन निकालता है, कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वहीं पर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहला गलत है। ऐसे ही 340 के केस में ही होगा एब्जॉर्बेंस वाले में। तो ट्रिप्टोफैन के कारण जितने भी एरोमेटिक एसिड हैं मैक्सिमम 280 पे रीडिंग देते हैं, तो इसलिए हम 280 ही यूज करते हैं ज़्यादातर प्रोटीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में। दूसरा जो था सबसे चौथा लास्ट ऑप्शन वो फ्लोरेसेंस वैल्यू था। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोप ये होता है, जैसे कि आप ये देखें कि एब्जॉर्बेंस वाले केस में कि एब्जॉर्बेंस रीडिंग नोट किया, लेकिन इसमें ये होता है कि जब हम कोई लाइट देते हैं आपके सैंपल पे लाइट पड़ा, वो मॉलिक्यूल जो थे आपके या प्रोटीन है वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के फिर ये ग्राउंड थोड़े नीचे आता है सिंगलेट ट्रिपलेट में, सिंगलेट में, अब सिंगलेट से फिर जब ग्राउंड की तरफ आता है ना तो ये लाइट इमिट करता है, उस इमिट को ये रिकॉर्ड करता है और आपको बताता है कि भाई आपका कैसा स्ट्रक्चर है, और ये कोई स्मॉल चेंज यदि आ गया ना किसी प्रोटीन में वो भी बता देता है आपको। जैसे इस वाले केस में फोल्डेड अनफोल्डेड का है, तो ये फोल्डेड वाला ये है और अनफोल्डेड वाले केस में ये है। और ट्रिप्टोफैन क्या करता है कि भाई जैसे ही एक्साइट हुआ और जब ये इमिट नीचे की तरफ आया तो इमिट किया, तो वो वाला जो एब्जॉर्बेंस, जो एब्जॉर्बेंस 280 पे मैक्सिमम था, इमिशन वही 350 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो ये फ्लोरोसेंस आपका यूज होता है स्ट्रक्चरल चेंज के फाइंड आउट करने में। लेकिन इस वाले केस में आपको जैसे डाइजेशन हुआ तो सिंपल में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं लगभग में आपका, मान के चलिए अमाइनो एसिड तो वहीं रहेंगे सिंपल में ही रहेंगे। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब एक ऑप्शन आपका था सर्कुलर डाइक्रोइज्म। सर्कुलर डाइक्रोइज्म में ये होता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है, जैसे कि ये देखिए पहला मायोग्लोबिन का है, पहला अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट, फिर LDH है, फिर आपका काइमोट्रिप्सिन है या बेंच जोन्स है, ये सारे एंजाइम और प्रोटीन हैं जिनके इन्होंने स्पेसिफिक बता रखे हैं कि भाई इसका अल्फा हेलिक्स है, इसका बीटा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एंटीपरलर बीटा सीट के लिए दो होता है ये वाला, तो एंटीपरलर बीटा सीट, फिर कोलेजिन का चौथा बताया कोलेजिन, और उसका ट्रिपल हेलिक्स था, लेकिन डीनेचर फॉर्म वाले का पांचवा, कितना चेंज आ गया देखो, ये पांचवा जो है ये डीनेचर वाले का है और ये जो है ट्रिपल हेलिक्स वाले का है। और ये तो वो था कि जब डीनेचर हुआ, डीनेचर का मतलब ये नहीं कि क्लीव हो गया, डीनेचर का मतलब इनका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन टूट गया, मान के चलिए ये प्रोटीन है, ये डीनेचर हो गया, चलो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो अनफोल्डेड हो गया ना कि डीनेचर। यदि प्रोटीएज दे तो क्लीव हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो है कुछ हद तक, तो इनका नज़र भी आ गया, जब प्रोटीएज दे देंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, तो लगभग में आपका कोई सिग्नल ना भी आ सकता है उस केस में, नहीं के बराबर आएगा, निग्लिजिबल। तो ये सर्कुलर डाइक्रोइज्म आपका राइट आंसर है, ये सर्कुलर डाइक्रोइज्म का इंस्ट्रूमेंट है। थैंक यू देखने के लिए,
आगे हम और ऐसी वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।